नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बड़ी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है HKRN जो पोर्टल है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए और कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए वहां पे लिंक दे दिया है। पहले ये लिंक नहीं था रजिस्ट्रेशन का, पर अब वहां पे लिंक है, वो प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, जिस कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस है किसी डिपार्टमेंट का या बोर्ड का या कोई कॉर्पोरेशन का एक्सपीरियंस है, वो अपने आप को वहां पे है रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको सर्च करनी है। आपको सर्च बार में HKRN लिखना है और आप जब इसको सर्च करोगे तो आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ये जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। ये इसका होम पेज है, इस तरह का होम पेज दिखेगा यहाँ पर। और इस साइट पर अभी जो है वो ये लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन का और कैंडिडेट लॉगिन का। ठीक है, तो ये नई अपडेट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का और कैंडिडेट लॉगिन का है वो लिंक दे दिया गया है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपसे जो है, तो क्लिक करने के बाद इस तरह का मैसेज आपको शो होगा डिस्प्ले पे। यहाँ पे ये पूछा गया है डू यू हैव एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपका पहले से कोई वर्क एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में या बोर्ड में या कॉर्पोरेशन में, कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। एक बार नो करके देख लेते हैं। यहाँ पे नो करने के बाद इस तरह से आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टर्ड इन दिस साइट, यानी कि आप इस साइट पर रजिस्टर्ड होने के लिए पात्र नहीं हो। ठीक है, तो ये जो साइट है वो, ये जो लिंक दिया गया है वो वर्क एक्सपीरियंस जिस कैंडिडेट के पास है उसके लिए ये लिंक दिया गया है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यस करके देखते हैं। यहाँ पे यस करने के बाद आपसे फैमिली आईडी पूछी जाती है, तो यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी एक बार डाल दीजिए। फैमिली आईडी डाल के यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर करना है। डिस्प्ले पे मेंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि इस फैमिली आईडी में है वो कोई भी मेंबर है, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या ऑलरेडी कोई वर्किंग में नहीं है। तो अभी इस पर जो नई अपडेट है वो यही है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का जो लिंक दिया गया है वो लिंक शायद उन लोगों के लिए है जो जिनके पास ऑलरेडी कोई वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए है। अगर वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कैंडिडेट लॉगिन भी हो सकता है। इस पे अभी ये अपडेट है साइट पे, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी रजिस्ट्रेशन की तो मैं आपको है वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इस अपडेट के बारे में ही वीडियो था ये। तो ये वीडियो, ये अपडेट है और अपडेट में यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड या कॉर्पोरेशन का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ ये जो कैंडिडेट है, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनके लिए अभी तक यहाँ पे कोई भी है टैब वगैरह या लिंक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये था वीडियो। जैसे कोई नई जानकारी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।